नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। डैश कैम चाहिए और बजट भी नहीं है ज़्यादा, अच्छा भी होना चाहिए। तो ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया। अब आपको इसके लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वेल रिसर्च करने के बाद मैंने बजट रेंज में, इस समय आप जानते हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो मैंने जो है डैश कैम मंगाया है नेक्स्ट डिजिट्रॉन कंपनी का ACE+। ठीक है, मार्केट में कई आते हैं, क्यूबो आता है आपने देखा ही होगा, और भी कंपनी के आते हैं, डिंग डिंग पाई का आता है। तो बजट रेंज की अगर बात करूं तो ये मुझे बेस्ट लगा है स्पेसिफिकेशन वाइज। अभी मैं इसका इंस्टॉलेशन पूरा आपको इसमें दिखाऊंगा और साथ में आपको ये भी दिखा दूंगा इसका जो है नाइट व्यू और डे व्यू जो है किस तरह की ये रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर मैं इसकी अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो ये पूरा इसका जो है ये बॉक्स है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। तो अनबॉक्सिंग करने पे इस पे जो है आपको ये वायरिंग मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चार्जर मिलता है इसके साथ, ये कैमरा है जो कि आपका लगेगा आगे, अभी इस पे कवरिंग हो रखी है। ठीक है, ये 3M का टेप लगा हुआ है, इसको हटा के तब ये चिपकेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये जो है रिमूव हो जाता है इजीली यहाँ से, जैसे कि टिक की वॉइस आएगी तो अच्छी तरह से ये फिट हो चुका है। और सबसे चीज़ है कि ये जो है रोटेट हो सकता है, कि अगर मान लीजिए आपको बाहर की कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो आप इससे कर सकते हो, अगर आपको इनसाइड कैबिन कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये जो है टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे, और ये जो है 2.5 mm जैक है, 3.5 नहीं है, 2.5 mm जैक है। जब मैं स्पेसिफिकेशन इसके बताऊंगा तब मैं बता दूंगी किस चीज़ के लिए। और ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे लगता है SD कार्ड, जो कि आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। मैंने किया है यहाँ पे सैमसंग का ईवो, मैंने किया है 64 GB का। 64 GB की ज़रूरत है, 1080p की रिकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से जो है SD कार्ड सफिशेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, लेने को आप 128 भी ले सकते हो, लेकिन 4K 2K रिकॉर्डिंग जब होती है तब तो उसके लिए सही है, अच्छी खासी इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, जो कि इसके बॉक्स पे ही मेंशन है, आपको पीछे यहाँ पर मिल जाएंगी सारी स्पेसिफिकेशन। तो पहले तो ये फुल HD में रिकॉर्डिंग करता है, 1.8 अपर्चर है इसका। ठीक है, 360 तो नहीं, 330 डिग्री जो है रोटेटेबल है, आप रोटेट कर सकते हो। GPS लॉगर भी इसके साथ आपको मिल जाता है, तो वो मैंने नहीं लिया है। वो मैंने इसलिए नहीं लिया है, उसका कोई काम नहीं, बस आपको वीडियो में वो दिखा देगा कि इसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है और लोकेशन क्या है, तो वो सब चीज़ें वो दिखाएगा, टाइम दिखा देगा, तो उसकी मुझे कोई नीड नहीं थी। और उसको बाद में आप सही बताऊँ उसको आप ट्रैक भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसकी कोई मुझे नीड लगी नहीं, तो इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं है। और इसमें जो है आपको दिखाई दिया मैंने कि टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 24 आवर पार्किंग मोड भी मिल जाता है, जो कि हार्ड वायरिंग किट के साथ ही मिलेगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी जो लगी है वो ये है कि इसमें बैटरी नहीं आती, इसमें सुपर कैपेसिटर आता है। अब इसकी खासियत क्या होती है इसकी, ये अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे जो है वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, तो उस कंडीशन में जो है फायर के चांसेस रहते हैं बैटरी में, लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है, तो ये हीट को अच्छे तरह से विदहोल्ड कर सकता है। 85 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर को ये होल्ड कर सकता है, तो इसीलिए हमेशा जब भी आप डैश कैम खरीदें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें जो है सुपर कैपेसिटर होना चाहिए, ना कि बैटरी हो। ठीक है, क्योंकि बैटरी में हमेशा फायर के चांसेस बने रहते हैं, जो कि सुपर कैपेसिटर में एकदम नेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसकी जो है स्पेसिफिकेशन थे इसके जो सारे थे, और इसका जो है बाइंग लिंक आपको जो है उसमें मिल जाएगा। आने से पहले पहले मैं इसको जो है एक बार ऑन करके देख लेता हूँ कि इसका जो है किस तरह की इसकी वीडियो क्वालिटी है और कौन सी ऐप इसमें यूज़ होगी। ऐप के लिए आपको इसमें एक कार्ड मिल जाता है इसी तरह का। ठीक है, आप तो जाके प्ले स्टोर पर या तो डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, ठीक है, गाड़ी कैम करके, या तो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो। ये एंड्रॉयड के लिए बार कोड दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो है iOS के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको स्कैन करते हैं और डाउनलोड करते हैं ऐप को। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसके साथ जो है वायरिंग मिल जाती है, ये चार्जर है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, इसको जो मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो इसको जो है आपको यहाँ पे लगाना है।
पॉज करना। तो ये इसमें यहाँ पे आपको लगाना है, उसके बाद इसको जो है आपको यहाँ लगाना है। ट्वेल्व वोल्ट का आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, हर एक गाड़ी में आपको मिल ही जाता है। तो इसको जो है आप लगाना है और गाड़ी को करना है ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है लाइट जो है ऑन हो चुकी है, एक ब्लू और एक रेड दिख रहा हो, यानी कि ये अच्छी तरह से ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको इसमें मेमोरी कार्ड लगाना है, जो कि मैंने बताया आप जो है 64 GB का आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और ये बोल भी रहा है कि प्लीज इंसर्ट योर मेमोरी कार्ड, तो हम इसमें जो है मेमोरी कार्ड को भी हमें इसमें लगाना पड़ेगा। अब इसकी ऐप डाउनलोड करने के लिए जहां पे आप सारी चीजें एक्सेस करेंगे, आपको यहाँ पर मैंने दिखाई दिया बारकोड मिल जाता है, आपको अपने फोन में स्कैनर खोलना है। आजकल तो फोन के कैमरे में ही मिल जाता है, यहाँ साइड में आपको इसको खोलना है, आपको इसको जो है स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करेंगे यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर खुल जाएगा, आपको ये वाली जो ऐप है गाड़ी कैम करके इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। पॉज कर दो। अब जो है ऐप जो है इंस्टॉल हो गई, इसको करते हैं ओपन, एग्री पे क्लिक करते हैं, स्टोर है, रीड राइट यूज टू सेव फोटोज, ठीक है, गेट फोन लोकेशन इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट विद डैश कैम, तो लोकेशन की भी एक्सेस मांग रहा है ये। वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ एड डैश कैम, सेटअप करना पड़ेगा, लोकेशन मांगेगा, लोकेशन हमें इसको दे देना है। अब हम करते हैं ऐड डैश कैम यहाँ पे, इंस्टॉल द डैश कैम एंड पावर इट ऑन, जो कि हमने कर दिया है, और प्लीज इंस्टॉल द डैश कैम एज शोन एज अब, ये हमने कर दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, वाईफाई ऑन है, ये आ रहा है यहाँ पे देखिए वाईफाई एस प्लस करके, तो हमें इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड जो है डिफॉल्ट पासवर्ड होता है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सबका एक ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। फिर से बैक जाते हैं, तो यहाँ पे ले लिया है इसने। अब यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग दिखा नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने इसके आगे जो है ये प्रोटेक्टर फिल्म लगी हुई है, ठीक है ना, फिर भी कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा इसमें। अब मैं इस प्रोटेक्टर फिल्म को हटाता हूँ पहले, तो ये है कैमरा, तो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह की वीडियो क्वालिटी है। देखता हूँ ये फुल स्क्रीन हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है। तो इस तरह की कुछ रिकॉर्डिंग है, अगर मैं बाहर की दिखाऊँ आपको, तो इस तरह की आपको वीडियो क्वालिटी इसमें मिल जाती है। ये मैं अभी आपको रिव्यू पूरा डाल दूंगा इसको लगाने के बाद, फिर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें साइड में कि आपको डेट मिल जाती है नीचे, और टाइम भी आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं किया मैंने, वो मैं अभी पूरा इंस्टॉलेशन जब कर लूंगा फिर मैं इसको जो है इसमें मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर दूंगा। तो ऐसी कुछ अभी वीडियो है फिलहाल, आप देख सकते हैं ऐसी कुछ अभी वीडियो है। अभी मैं इसका पूरा जो है डिटेल रिव्यू अच्छे से मैं डालूंगा इसको जब यूज करूंगा, इसका वीडियो मैं अच्छे से, तो अभी जो है इस तरह का इसका जो है वीडियो क्वालिटी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है।